हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब हो? अच्छे होंगे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक मेकअप लुक जो कि है वट सावित्री पूजा के लिए। तो शायद वट सावित्री पूजा कल ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक मेकअप लुक लेके आया जाए। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है गाइस, तो मैंने बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें इस वीडियो के और देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेकअप लुक वट सावित्री के लिए। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सेटअप फिल का मॉइस्चराइजर। तो आप लोगों को पिछले भी ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेकअप से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चेहरे को मॉइस्चराइज करना। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटअप फिल का मॉइस्चराइजर, और पहले मैं अपने चेहरे को इसे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ अपने नेक एरिया में, और सारा फेस एरिया में मैं इसे अच्छी तरह से यूज़ कर चुकी हूँ। तो इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे लैक्मे का प्राइमर जो कि बिल्कुल क्रीमी है, और मैं ये प्राइमर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर ये प्राइमर यूज़ करें। तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर, और प्राइमर लगाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंसीलर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग ये कंसीलर देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा कंसीलर यूज़ करी है। तो जी हाँ, ये है डर्मा का एक कंसीलर, आप बोल सकते हैं पैलेट या कंसीलर, जिसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली होता है बट बहुत ही अच्छा इसका आता है, एकदम नेचुरल सा, ऐसा नहीं लगता है कि केकी सा हो गया है। ये कंसीलर जब भी मैं यूज़ करती हूँ एकदम नेचुरल सा लुक देता है, और एक सिर्फ कंसीलर से भी मैं मेकअप कर लेती हूँ इस कंसीलर से, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो चलिए अब इसे ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ एकदम अच्छे से। देखिएगा मेरे चेहरे पे कितने अच्छे से ये कंसीलर ब्लेंड हो जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा कि मैंने अभी तक कंसीलर भी यूज़ किया है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये एक डे लुक है, और सावित्री पूजा ऑब्वियस ही बात है कि डे लुक में ही होती है। तो आप अगर थोड़ी भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिन में दिखने लगता है मेकअप। रात का मेकअप अलग होता है, वो लाइट के कारण बहुत ही अच्छा लगता है, बस दिन में अगर आप कुछ ज़्यादा मेकअप कर लोगे तो बहुत ही ख़राब लुक आएगा। तो इसके बाद अब मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से सेट कर लेती हूँ अपने कंसीलर को, ताकि जब मैं आई मेकअप करूँ तो थोड़ा अच्छा सा सेट हो। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और इस कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन। ये बहुत ही थिक है और ये डे लुक के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है अगर आप मेरी मानो तो। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसमें पंप नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ मेसी हो जाता है जब आप यूज़ करो। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरे फेस पे इसे लगा लिया डॉट डॉट करके, और अब मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से चारों तरफ इसे ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे और नेक एरिया में भी, ताकि नेक एरिया बिल्कुल भी बुरा ना लगे, क्योंकि ये दिन में मेकअप है तो नेक एरिया तो और भी दिखेगा, आपको पता ही है। तो इसे आप पहले अच्छे से ब्लेंड कर लो पूरे फेस एरिया पे और पूरे नेक एरिया पे, ताकि सारा ऑड इवन टोन ना दिखे, सब अच्छे से दिखे। तो गाइस, अब देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से अपने सारे फाउंडेशन को ब्लेंड कर चुकी हूँ, और अब मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से लॉक कर दूंगी, और मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल फाउंडेशन के टोन से मेरे स्किन टोन मिल चुकी है, और बिल्कुल भी ये अलग सा केकी सा नहीं लग रहा है। थोड़ा सामने से तो लगता ही है बट कैमरा में तो वो और भी अच्छा दिखता है। तो चलिए अब इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो फिल करने के लिए। और ये देखिए, मैंने अपने आईब्रो को फिल कर दिया है, और अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरह। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई पैलेट सबसे पहले, जिसके हेल्प से मैं अपने आई मेकअप करूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा लाउड आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया वो बहुत ही कम अमाउंट में किया है, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा अगर आप आई मेकअप कर लोगे तो बहुत ही अजीब सा दिखेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक पिंक कलर का शेड लूँगी, और उससे अपने आईज़ को अच्छा सा लुक दूंगी। और यहाँ पे मैंने अभी कॉर्नर साइड के लिए एकदम हल्का सा कलर उठाया है और वहाँ पे मैंने फिल कर लिया, और उसके बाद अब मैं इसमें से पिंक शेड यूज़ करूँगी। पिंक नहीं, ऑरेंज टाइप शेड था वो, तो वो शेड यूज़ करूँगी जो कि मेरे ब्लाउज से बिल्कुल मैच कर रहा था, जो कि मैंने फिंगर के हेल्प से ये देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के ऊपर, और उसके बाद मैं सेम यही चीज़ रिपीट करूँगी अपने दूसरे आईज़ में। तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो, मेकअप नहीं आता, जैसे कि मैं भी बिगिनर, मुझे भी उतना
मेकअप के बारे में नहीं पता है, जो भी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप फिंगर के हेल्प से अपने आई मेकअप को, जो आई सेड होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का जो आई मेकअप किया उसके ऊपर मैंने एक न्यूड हुडा ब्यूटी से ग्लिटर उठाया और वहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, उसे भी फिंगर के हैंड से, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आई लाइनर लगाऊँगी, जो कि मेरा फेवरेट स्टेप है। और ये मैं देखिए कैसे आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि सेम आईलाइनर ड्रॉ हो जाए मेरी दूसरे आँख में भी, ताकि अच्छा लगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सेम आईलाइनर ड्रॉ नहीं हो पाती है, एक में पतली हो जाती है तो दूसरे में टेढ़ी हो जाती है, कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं कि मेरी इस बार की आईलाइनर सेम हुई या नहीं। लगभग मेरी आईलाइनर अच्छे से हो चुकी है गाइज, मैं क्या बताऊँ। मैं इसे फिर से मिला लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे। तो अभी भी मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है, वो पता है क्यों, क्योंकि लिपस्टिक तो मेन रोल प्ले करता है हमारे मेकअप में, जो कि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो आप डरे ना मेरे चेहरे को देख के। अब मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो कि हाइपर कर्ल का है मस्कारा मेबेलिन का। ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है हमारे आईलैसेस को। तो मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और मैं फॉल्स आईलैसेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैंने यहाँ तक कि अपनी शादी में भी फॉल्स आईलैसेस यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो आई का सेप है उसमें फॉल आईलैसेस बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, ऐसा मुझे फील होता है। और अच्छे से वो, मैं क्या बोलूँ, मैं कम्फर्टेबल फील नहीं करती आईलैसेस लगा के, इसलिए मैं आईलैसेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर काजल लगा लेती हूँ अपने आँख में, और ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने अपने आँख में काजल लगाया। मैं बात ज़्यादा कर रही हूँ और मेकअप के बारे में आप लोगों को बहुत कम बता रही हूँ, बट कोई नहीं, आप लोग देख के पता लगा सकते हो कि मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपने पूरे आँख को काजल से फिल कर लिया है, और अब हम चलेंगे अपने जो मेकअप है उसमें चार चांद लगाने, वो कैसे, लिपस्टिक लगा के। तो गाइस चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पे सुगर का जो लिप लाइनर है वो यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन कलर का ये लिप लाइनर है, जो कि मैं आउटर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ। और मैं कुछ भी ड्रामेटिक यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर लिप लाइनर, जो मेरे लिप का शेप है मैं उसी शेप में इसे शेप दूँगी। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ड्रामेटिक लिप्स मुझे पसंद नहीं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का रेड लिपस्टिक, जो कि बिल्कुल ही गर्मी के कारण मेल्ट हो चुका है, बट मेरे पास अभी रेड कलर में यही है। मैं लिक्विड वाला यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये अभी तुरंत रिमूव भी करना होगा, मुझे थोड़ी देर के बाद बाहर जाना है। इसलिए मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देगा। आप देखना कि इस रेड कलर में कितना अच्छा लगेगा ये। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या मिसिंग है, तो अभी बहुत ही बड़ा चीज़ एक मिसिंग है, जो कि है ब्लश। अभी मैंने अभी तक ब्लश यूज़ नहीं किया है, तो अभी मैं लगाऊंगी ब्लश, जो कि मेरा फेवरेट है। तो अभी मैं कौन सा ब्लश यूज़ करने वाली हूँ, मैं एक अलग सा ब्लश यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। तो मैं गई थी जूडियो, और जूडियो से लिया है मैंने एक चिक टेंट ब्लश, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसका कलर बहुत ही नेचुरल है, और ये इतने अच्छे से हमारे चेहरे पर ब्लेंड होता है कि मैं क्या बताऊँ। अभी आप देखो ये हैंड के थ्रू भी ब्लेंड हो जाता है, बट मैं इसे अभी यूज़ करूँगी ब्रश से, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं जब उसे हाथ से यूज़ करूँगी ना, तो वो मेरा फाउंडेशन में निकल जाएगा, इसलिए मैं इसे ब्रश के हेल्प से। देखिए कितना अच्छा लुक आया है, एकदम नेचुरल सा लुक आता है। आप जूडियो में जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो कि पूरा टूट चुका है, बट कोई नहीं, अभी मैं उसे यूज़ करती हूँ थोड़े दिन, जब पूरा टूट जाएगा तब नया लूँगी। तो गाइज ये है हमारा मेकअप, और जो कि बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं। तो गाइज अब हम चलते हैं हेयर स्टाइल की तरफ, तो थोड़े से हेयर स्टाइल भी कर लिया जाए। तो मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल तो आता नहीं, और मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। बट जो भी है, मैं कुछ इस तरह से अपना हेयर स्टाइल किया है। मैंने कॉम्ब भी यूज़ नहीं किया है, अपने हैंड के ही हेल्प से मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है। तो अब मैं इसे जूड़ा बनाने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि जूड़ा ही बना लेना अपने वट सावित्री लुक के लिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, और साड़ी में या फिर कुछ इस तरह का लुक में जूड़ा ही बेस्ट लगता है। तो मैंने तो यहाँ पे जूड़ा बना लिया है, और थोड़ी थोड़ी मेरी जो हेयर है वो मेसी है, उसे आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं
उतनी भी प्रो नहीं हूँ खास करके हेयर स्टाइल में, बट जो भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोग ज़रूर बताने कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं ईयरिंग की तरफ और पहन लेते हैं ईयरिंग्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंगल्स भी पहन लिया है, कुछ ज्वेलरी भी पहन लिया है और सबसे मेन रोल जो है वो है सिंदूर। तो मैं यहाँ पर लिक्विड का सिंदूर यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर फिर मैं जो नॉर्मल सिंदूर लगाती हूँ वो भी यूज करूँगी। वो बहुत ही अच्छा लुक आता है सिंदूर का, अगर आप दोनों यूज करो वो तो बहुत ही अच्छा। अब मैं इसे अपने हैंड के हेल्प से भी जो है वो सिंदूर लगा लूँगी। ये देखिए मैंने पूरा फिल कर लिया है सिंदूर। तो गाइस आप लोग बताओ कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करो। और मैं पूरी तरह से अभी साड़ी भी नहीं पहनी हूँ, वो भी अभी पहनने वाली हूँ। तो मैंने ये झुमका जो है वो और ये जो ज्वेलरी है ये सेम ज्वेलरी मैं सावित्री पूजा के दिन भी पहनने वाली हूँ। तो आज भी मैं यही जो लुक है वो मैंने आपको दिखाया, बस मेरी साड़ी चेंज रहेगी। ये साड़ी मैं नहीं पहनने वाली हूँ, मैं दूसरी साड़ी पहनने वाली। तो उस दिन का भी ब्लॉग आएगा, आप लोग ज़रूर देखना। और होप आप लोगों को ये जो मेकअप लुक है वो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए है। तो गाइस ये था वट सावित्री का पूरा लुक जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प मिले। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही नज़ाकत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और शेयर तो बिल्कुल भी करें, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प करो, मैं बहुत ही अच्छी अच्छी सी ब्लॉग लाऊँगी आप लोगों के लिए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय। सी यू, होप आप सभी का व्रत सावित्री पूजा बहुत अच्छे से गुजरे और बहुत ही अच्छा हो व्रत जाए। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा।